हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इफ्तिखार स्टंट राइडर। सो आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अपनी TVS अपाचे RTR 180 स्टंट बाइक के बारे में। सो बेसिकली हमने इसमें जो मॉडिफिकेशन किए हैं उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मॉडिफिकेशन हम करते हैं इसकी, जो स्टॉक हेडलाइट होती है, टेल लाइट होती है, टेल होती है, उसको हम हटा देते हैं, क्योंकि हमें इसको करना होता है लाइट वेट ताकि स्टंट राइडिंग में प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद आप इसका अजीब सा टैंक देख रहे होंगे, ये हम स्पेशली बनवाते हैं ताकि हम टैंक पे बैठ के काफ़ी सारे स्टंट्स परफॉर्म कर सके। और इसके बाद हमें इसमें लगाना होता है हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक जो होता है वो हमारे हाथ में आ जाता है, जैसे आप एक्टिवाज में देखते होंगे। इससे बेनिफिट्स ये होता है कि हम काफ़ी हाई ट्रिक्स कर सकते हैं और ब्रेक हमारे हाथ में होता है। और इसके लिए जो सिस्टम होता है, इसमें हमें पीछे डुअल कैलिपर लगाना होता है। कैमरामैन आप लागे दिखाइए, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ट्विन कैलिपर दिख रहा होंगे। ये मॉडिफिकेशन हम लोग खुद करते हैं। एंड इसके बाद हम लगाते हैं इसमें एक्स्ट्रा फुट पैक्स, जिससे कि हम फ्री स्टाइल बाइक स्टंट्स हाई लेवल पे कर सकें, जो कि आप देखते हैं। और हमने इसका स्टॉक हैंडल बार निकाल के इसमें लगाया है, लोहे का हैंडल बार, जिससे कि बाइक का कभी क्रैश होता है तो वो टूटे नहीं। ये क्या होता है कि कुछ नहीं होता, ये टेढ़ा हो जाता है, वापस से हम इसे सीधा कर सकते हैं। और अभी हमने इसका क्रैश गार्ड निकाला हुआ है, नहीं तो इसमें क्रैश गार्ड भी लगता है। और हमने इसमें टायर्स लगाए हुए हैं राइज मोटो के, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे टायर्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छे टायर्स हैं, अच्छी ग्रिप देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं हमें बाइक स्टंट्स करने का। सो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी, इसका डिटेल्ड वीडियो हम बहुत जल्दी बनाने वाले हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।